जी सागर वाली कवाली की तरह हमें भी ऐसा एक यूनिक परफॉर्मर बनना है, हाउ शुड दे डू इट? और मुझे लगता है कि आप सभी जो भी देख रहे हैं जी कनेक्ट में हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप सभी ऑनेस्टी रखें जो भी आप कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी और आर्ट फॉर्म में कुछ और काम कर रहे हैं और आपको किसी का काम बेहतर लगने लगे तो आप अपना काम स्विच करके किसी के काम में मेहनत मत करिएगा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिले। आप पैशनेट हो जिस चीज़ के लिए, सिर्फ उसी चीज़ को करते रहें और सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी ज़रूर, क्योंकि जो लोग अपने पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं वो कभी काम नहीं करते हैं। मैंने सलीम सुलेमान सर ने एक बात बोली थी अपने इंटरव्यू में कि मैं तो बचपन से हॉलीडे पे हूँ, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनका पैशन है। तो अगर आपको अपने काम को हॉलीडे जैसा वाइब करना है तो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है सिर्फ वही करिए, ये देख के कि कोई बेहतर कर रहा है किसी और काम में तो मैं स्विच कर लेता हूँ, आपको खुद ही अपना दिल जवाब दे देगा कि यही है जो आप करने के लिए इस दुनिया में आए हो। पर ऑनेस्टी से करना है। जैसे अगर आप स्टेज पर परफॉर्म करते हो, जैसे मैं जाता हूँ तो अगर मैं बीमार भी हूँ या कुछ भी है तो वो जो लोग वहाँ पर आए हैं उनको आपके इस दिन से फर्क नहीं पड़ता, आप एक दिन बीमार हो लेकिन उन्होंने इस दिन का इंतज़ार किया है, तो उस दिन आप जब बिल्कुल बेस्ट हो गए ना उसके बाद की बीमारी भी चली जाएगी, बिकॉज ऊपर वाला सब देखता है। तो ऑनेस्टी रखना लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यही रास्ते पर चलो सब मिल जाएगा। Only on Zee Cinema, सीने में सिनेमा।